अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बेसिकली पेपर मई जून 2019 पेपर 4-2 को सेलेक्ट किया है, जिसे हम आज डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में। सो मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट। नाउ इन द फर्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर आस्क यू टू डिटरमाइन एन अप्रोप्रिएट वैल्यू फॉर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर बाय एन इलेक्ट्रिकल मैथड। एग्जामिनर सिंपली आपसे कह रहा है कि आपने एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू को डिटरमाइन करना है इलेक्ट्रिकल मेथड को यूज करते हुए। अब बेसिकली एग्जामिनर ने आपको मेंशन भी कर दिया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है सब्सटेंस की, ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो असल में रिक्वायर्ड होती है 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन बढ़ाने के लिए। सो पेपर 4 की सबसे इंपॉर्टेंट टिप यही है कि एग्जामिनर हर चीज के बारे में आपको इसमें बता देता है, इवन फॉर्मूलास डेफिनेशंस। तो स्टूडेंट्स को इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है पेपर 4 के लिए। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप एग्जामिनर आस्क यू, नाउ ही सेट अप्स द एपरेटस एज शोन इन फिगर 1.1। जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर 1.1 में उसने एपरेटस शो किया है। इस एपरेटस में एक ग्लास बीकर है, ग्लास बीकर के अंदर थर्मामीटर जो है वो डिप हुआ हुआ है और साथ ही साथ ग्लास स्पीकर के अंदर उसने एक हीटर इमर्स किया हुआ है। हीटर के साथ सीरीज में एमीटर कनेक्ट है और हीटर जो है वो पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। अभी आपसे कह रहा है कि एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि जो स्टूडेंट है उसने बीकर के अंदर जो है वाटर का एक मास एम जो है वो पोर किया है और मास एम की वैल्यू 100 ग्राम्स है। इसके बाद हीटर प्लेस किया है वाटर के अंदर और हीटर जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि हीटर जो है वो वाटर के अंदर इमर्स हुआ हुआ है और साथ ही साथ उसने क्या किया, स्टूडेंट ने हीटर के साथ वोल्ट मीटर कनेक्ट करा ताकि वो अक्रॉस द हीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस है हीटर का उसे कैलकुलेट कर सके या उसे मेजर कर सके। अब पार्ट ए में एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि ड्रॉ अ वोल्ट मीटर सिंबल। आपने क्या करना है, जो गिवन सर्किट है आपके पास फिगर 1.1 में, इसमें आपने वोल्ट मीटर का सिंबल ड्रॉ करना है और ये बताना है कि एग्जामिनर कैसे जो है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेगा अक्रॉस द हीटर। सो सिंपली एक नंबर का सवाल है और आपने सिंपल वोल्ट मीटर ड्रॉ करना है। और आप लोगों को पता है कि वोल्ट मीटर जो है हम जिस कंपोनेंट का भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं उसके अक्रॉस हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है वोल्ट मीटर। सो आपने सिंपली क्या करना है, जैसा कि आपके पास स्लाइड में शो हो रहा है, आपने हीटर के पैरेलल वोल्ट मीटर बना देना है जैसा कि मैंने बनाकर आपको शो किया। इन द पार्ट बी स्टूडेंट ने क्या किया, स्टूडेंट ने इनिशियल टेम्परेचर जो है वाटर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसने क्या किया, मेजर किया, यानी उसने टाइम जीरो से शुरू किया और 360 सेकंड्स तक लेकर गया और उसके करेस्पॉन्डिंग उसने टेम्परेचर यानी थीटा की वैल्यू को रिकॉर्ड किया और उसने एक टेबल बना दिया जिसे हम टेबल 1.1 कह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में एग्जामिनर कह रहा है कि स्टूडेंट ने स्विच को क्लोज किया है और स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया और टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है वाटर का फॉर एवरी 60 सेकेंड्स फॉर 6 मिनट, यानी टोटल ये 6 मिनट का डाटा है। और आप देख सकते हैं कि टाइम में जो डिफरेंस आ रहा है वो 60 सेकंड्स का आ रहा है, यानी 60 सेकंड्स के इंटरवल्स पर स्टूडेंट ने टेम्परेचर की वैल्यूज को रिकॉर्ड कर अपने टेबल में फीड किया है और एक टेबल बना दिया जिसे हम 1.1 कह रहे हैं। और साथ ही साथ स्टूडेंट ने करंट की वैल्यू भी रिकॉर्ड की है हीटर में जिसे हम कैपिटल आई से शो कर रहे हैं और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द हीटर की वैल्यू भी मेजर की है जिसे हम वी से शो कर रहे हैं, जो कि पार्ट ए में आपने वोल्ट मीटर का सिंबल ड्रॉ कर बता दिया था कि स्टूडेंट जो है वो पैरेलल में वोल्ट मीटर अटैच करके हीटर के साथ हीटर का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। अब मेजरमेंट्स क्या है, स्टूडेंट का जो करंट है यानी स्टूडेंट ने जो करंट को मेजर किया है अक्रॉस हीटर, करंट जो है हीटर में वो 4 एम्पियर का है और हीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 14.8 वोल्ट है। और फिर स्टूडेंट ने क्या किया, ये सारा डाटा रिकॉर्ड करने के बाद उसने स्विच को ओपन कर दिया। नाउ पार्ट सी में एग्जामिनर कह रहा है कि जब टाइम 240 सेकंड्स था तो उस वक्त थर्मामीटर जो है वो रीडिंग शो कर रहा था जो कि फिगर 1.1 में शो हो रहा है। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि थर्मामीटर जो है वो मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मामीटर है। ये कैसे पता लगेगा, ये पता इस तरह लगेगा कि आप अगर लिक्विड देखें तो लिक्विड में अपर मेनिस्कस फॉर्म हो रहा है। हमारे पास बेसिकली दो तरह के लिक्विड होते हैं, एक होता है ड्राई लिक्विड और एक होता है वेट लिक्विड। वेट लिक्विड जो होता है वो वाटर है, अल्कोहल है। वेट लिक्विड में हमेशा लोअर मेनिस्कस फॉर्म होता है, जबकि ड्राई लिक्विड जो होते हैं जैसे कि मर्क्यूरी, ये नॉन स्टिकी होते हैं, ये वॉल्स पे स्टिक नहीं करते, इसीलिए इनमें कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं जिसकी वजह से ये अपर मेनिस्कस फॉर्म करते हैं। सो आपसे ये कह रहा है कि रीड द
thermometer and record the temperature in table 1.1. Table 1.1 में T is equal to 240 seconds पर जगह खाली होगी. आपने यहां से वैल्यू को रिकॉर्ड करना है. जैसे कि मैंने लाइन ड्रॉ करके शो किया है कि अपर मेनिस्कस से जब मैंने लाइन ड्रॉ करी तो 41 और 42 के मिड में ये लाइन आ रही है, जिसकी वजह से मेरे जो टेम्परेचर है उसकी रीडिंग आ रही है 41.5. सो आपने टेबल में जाकर टी इज इक्वल टू 240 सेकंड्स की जगह पर टेम्परेचर की वैल्यू 41.5 पुट कर दें. इन द पार्ट टू एग्जामिनर कह रहे हैं कि बताएं, स्टेट करें कि इंपॉर्टेंट क्यों है इस बात को इंश्योर करना कि हीटिंग कॉइल जो है वो कम्प्लीटली इमर्स रहे वाटर के अंदर. जैसा कि मैंने सबसे पार्ट वन क्वेश्चन वन के स्टार्ट में ही आपको जो फिगर 1.1 शो की थी उसमें आपने देखा था कि हीटर जो है वो वाटर के अंदर कम्प्लीटली इमर्स हुआ था. हीटर का काम क्या है? वाटर को हीट करना. सो आप क्लियरली अगर अपना कॉमन सेंस यहाँ पे यूज करें सो हमें यही पता लगता है कि जब हीटर को पानी के अंदर इमर्स कर दिया तो असल में स्टूडेंट चाह रहा था, जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है वो ये चाह रहा था कि वाटर जो है वो कम्प्लीटली हीट हो जाए, या यूं कह लें कि वाटर में हीट जो है वो इवनली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो अक्रॉस द वाटर. सो आपने सिंपली यही रीजन देना है, टू डिस्ट्रीब्यूट द हीट इवनली थ्रू आउट द वाटर. नाउ पार्ट टू में एग्जामिनर कह रहा है कि स्टायर द वाटर बिफोर रीडिंग ईच टेम्परेचर. यानी वो कह रहा है कि इम्पॉर्टेंट क्यों है कि आप हर टेम्परेचर की रीडिंग लेने से पहले पानी को स्टायर कर रहे हो, हिला रहे हो. देखे आप पानी को जब स्टायरिंग कर रहे हैं पानी की, तो सिंपली आप इसीलिए कर रहे हैं कि हीटर जब पानी को गर्म कर रहा है तो स्टायरिंग करने से आप इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि जो हीट है वो अक्रॉस द वॉटर कम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. यानी वॉटर के हर मॉलिक्यूल को हीट मिल जाए और वॉटर के सारे मॉलिक्यूल्स एक टेम्परेचर पर आ जाए. सिंपली आपने यहाँ पे यही रीजन लिखना है, All water molecules reach at same temperature. ये स्लाइड में देखें, तो आपने सिंपली क्या करना है, आप देख रहे हैं कि 180 से 240 के मिड में कहीं पे आपके पास 200 सेकेंड्स आएगा. अच्छा, इनिशियल रीडिंग आपके पास कितनी है? जब टाइम जीरो था उस वक्त आपने टेम्परेचर की रीडिंग नोट करी तो रीडिंग आ रही है 21.5. और आपने 200 सेकेंड्स पर जब रीडिंग लेंगे आप टेम्परेचर की, जैसे मैंने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर शो किया है, लाइन थोड़ी सी कह लें कि क्लियर नहीं है, बट अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको लाइन नजर आएगी. ये लाइन ड्रॉ करके जब मैं एक्स वाई एक्सिस यानी टेम्परेचर एक्सिस पर लेकर आया हूँ इस लाइन को एक्सटेंड करवा के, सो 200 के करेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर आ रहा है वो 38 सेकेंड्स है. सो आपने सो द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. Now the examiner asks you to examine the apparatus setup shown in figure 1.1. Figure 1.1 में आपने जो apparatus बनाया, apparatus given है आपको, उस apparatus को examine करें और आप ये बताएं कि जो C की value हमने निकाली है ये inaccurate है. So आपने एक practical reason देना है कि ये value inaccurate क्यों है. अगर आप अपने पहली figure 1.1 को देखें, so उसमें सबसे जो कह लें कि important reason जो given है वो यही है कि आपका beaker जो है वो cover नहीं हुआ हुआ, या बीकर के साइड्स पर कोई इंसुलेशन नहीं गिवन है, जिसकी वजह से हीट लॉस होगी सराउंडिंग में. सो सिंपली आपने यही रीजन लिखना है यहाँ पे कि हीट इज लॉस टू द सराउंडिंग. नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट एग्जामिनर कह रहा है कि आप एक इम्प्रूवमेंट बताएं जो मोर एक्यूरेट रिजल्ट जो है प्रोड्यूस करे. सो सिंपली आपने क्या करना है, बीकर की साइड्स को कवर करना है, या तो आपने यहाँ पर आपने सिंपली जो इम्प्रूवमेंट लिखनी है वो इम्प्रूवमेंट यही है कि आप अपने बीकर की साइड्स को कवर कर देंगे, या आप अपने बीकर को लिट से यानी ऑन द टॉप लिट लगाकर बीकर को कवर कर देंगे. तो आपने सिंपली यही रीजन लिखना है, कवर द बीकर विद लिट एंड प्रोवाइड लैगिंग टू द साइड्स ऑफ द बीकर. नाउ इन द पार्ट एफ एक अनदर स्टूडेंट है जिसने सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया है, लेकिन वो भूल गया कि उसे जो है हीटर को स्विच ऑफ करना था एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट, और जो वाटर का टेम्परेचर है वो राइज होता रहा और राइज होकर 82 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच के टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया. अब ये कह रहा है कि आप एक रीजन बताएं कि वाटर का जो टेम्परेचर है वो स्टॉप क्यों हो गया इंक्रीज होना 82 डिग्री सेल्सियस होने के बाद. 82 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड होने के बाद टेम्परेचर स्टॉप क्यों हो गया, वाटर का टेम्परेचर बढ़ क्यों नहीं रहा. देखे सिंपली अगर हमने हीट के बारे में पढ़ा हो तो हमें ये पता है कि हीट ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. जब हॉट और कोल्ड बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा तेजी से हीट फ्लो करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. अब यहाँ पर टेम्परेचर ही कांस्टेंट हो गया है, सो इसका मतलब ये है कि देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड बॉडी. सो इसका मतलब ये हुआ कि जितना हीट लॉस हो रही है उतने ही हीट गेन हो रही है.
सो हमने यहाँ पे यही लिखना है कि लॉस ऑफ हीट इज इक्वल टू गेन ऑफ हीट। यानी इसे आप यूं समझ लें कि कोई हीट ना लॉस हो रही है ना कोई हीट गेन हो रही है। सो इसका मतलब लॉस और गेन बिल्कुल इक्वल हो चुका है, कोई डिफरेंस नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो भी कॉन्स्टेंट हो गया है। सो आपने सिंपली यही लिखना है कि लॉस ऑफ हीट इज इक्वल टू द गेन ऑफ द हीट। और आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज इक्वल टू द रेट ऑफ गेन ऑफ हीट। अब अगर आप दोबारा अपनी फिगर 2.1 को देखें, सो आपने जब लाइन को ड्रॉ करा और एक्सटेंड किया ऑन दी अदर साइड ऑफ द प्रिज्म, तो पॉइंट वाई पे आके एक पॉइंट पर आके लाइट जो है वो स्ट्राइक कर गई। आपने इस पॉइंट को वाई मेंशन कर दिया, जैसा कि मैंने फिगर में किया है। उसके बाद आपने क्या करना है, स्केल लेकर अपने इस प्रिज्म की साइड पर बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पर आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, डॉटेड लाइन, जो कि नॉर्मल को शो करेगी, बिकॉज नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नाउ इन पार्ट सी एग्जामिनर कह रहा है कि रे जो है वो प्रिज्म से इमर्ज हो गई है एट वाई, यानी वाई से बाहर निकल आ गई है, यानी कह लें कि ग्लास प्रिज्म से निकल के वापस एयर में आ गई है। अब ये कह रहा है कि डिस्क्राइब करें कि स्टूडेंट जो है इमर्जेंट रे, यानी जो प्रिज्म से बाहर निकली है रे, उसके पाथ को एक्यूरेटली पेपर पर कैसे मार्क करेगा। आपने मेथड डिस्क्राइब करना है। सो सिंपली आप क्या करें, आपने ये लिखना है कि स्टूडेंट क्या करेगा, स्टूडेंट ये देखेगा कि रे जिस जगह, रे जो है ऑन दी अदर साइड ऑफ द प्रिज्म जब बाहर निकल रही है, तो वो रे के पाथ में, यानी कह लो कि रे के रास्ते में पिंस को प्लेस करेगा वन बाय वन इन अ वन लाइन। सारी की सारी पिंस को एक लाइन में प्लेस करने के बाद वो क्या करेगा, पिंस को निकाल के उन डॉट्स को मार्क करके उन डॉट्स को ज्वाइन कर देगा और एक लाइन बना देगा, जो कि ये शो करेगी कि जो है ना लाइट जो है जब वो ग्लास प्रिज्म से बाहर निकली तो उसने क्या रास्ता फॉलो किया। सो आपने सिंपली यही आंसर लिखना है, स्टूडेंट प्लेसेस पिंस इन द पाथ ऑफ द लाइट एंड ज्वाइन देम टू प्रोड्यूस अ लाइन। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखें जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी, मैंने बिल्कुल उस स्ट्रेट लाइन के पाथ में एंड पर एक आई बना दी है। आपने बिल्कुल इसी तरह आई बनानी है, या आप क्या करें इस पाथ पर पॉइंट लगाकर उसे आई लिख दे तो भी एग्जामिनर आपको मार्क। नाउ पार्ट बी, पार्ट बी में कह रहा है कि स्टूडेंट ने अपने एक्सपेरिमेंट को तीन टाइम, कह लें कि तीन दफा रिपीट किया और उसने तीन वैल्यूज निकाली कैपिटल, इसने तीन वैल्यूज निकाली एच, और वो तीन वैल्यूज क्या है, 54 सेंटीमीटर, 57 सेंटीमीटर, 53 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट जो है इन सारी वैल्यूज को यूज करके मीन वैल्यू जो है मैक्सिमम हाइट एच रीच्ड, यानी ये बाउंसिंग हाइट जो है बॉल ने बेंच पे स्ट्राइक करने के बाद कितना बाउंस हुई है बॉल, उस मैक्सिमम हाइट एच की मीन वैल्यू को कैलकुलेट करना चाह रहा है स्टूडेंट। सो आपने क्या करना है, आपने अपने आंसर को जो है ना कह लें कि टू एन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक मेंशन करना। नाउ सो आप क्या करेंगे, आपने सिंपली जो है 54, 57 और 53 इन तीनों को ऐड करना है और 3 से डिवाइड करना है, यानी आपने एवरेज लेना है। सो एवरेज आ रहा है 54.67, बट आपका जो गिवन डाटा है वो होल नंबर में है। सो आप क्या करेंगे, अपनी इस वैल्यू को राउंड ऑफ करेंगे और 55 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया, यानी जो मीन वैल्यू है एच की वो 55 सेंटीमीटर। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट एग्जामिनर कह रहा है कि स्टूडेंट जो है वो मीटर रूल यूज कर रहा है जो कि मिलीमीटर में ग्रेजुएटेड है। अब कह रहा है कि सजेस्ट करें कि जो रिजल्ट है स्टूडेंट का वो क्यों नहीं रिकॉर्ड हो पा रहा टू नियरेस्ट मिलीमीटर। सो देखें बहुत सिंपल है, सिंपल इस तरह है कि जब बॉल जो है वो बाउंस बैक करती है, तो ये जो काम है बॉल का बाउंस बैक होना जो है, ये कह लें कि बहुत ही कह लें कि क्विकली होगा ये काम। सो बॉल जो है वो जो डिस्टेंस बाउंस बैक करेगी उस डिस्टेंस को मेजर करना डिफिकल्ट है, इसलिए जो है स्टूडेंट नियरेस्ट मिलीमीटर तक वैल्यू नहीं ले रही, वो होल नंबर में वैल्यू ले रही है। सो आपने क्या लिखना है, आपने आंसर में यही लिखना है, द बॉल बाउंसेस बैक टू अ डिस्टेंस व्हिच इज डिफिकल्ट टू मेजर। नाउ इन पार्ट सी, पार्ट सी में स्टूडेंट जो है वो प्रोसीजर को रिपीट कर रही है, बट नाउ ड्रॉप्स द बॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। अच्छा, उसने एक्सपेरिमेंट में स्टार्टिंग हाइट 80 सेंटीमीटर ली थी, अब वो हाइट जो है उसने ड्रॉपिंग हाइट 10 कर दी। अब ये कह रहा है एग्जामिनर के सजेस्ट करें कि स्टूडेंट जो है वो अब मैक्सिमम हाइट जो भी रीच है, यानी कह लो कि बॉल ने बाउंस बैक होने के बाद 10 सेंटीमीटर की हाइट से ड्रॉप होने के बाद जब बॉल बाउंस बैक हुई तो उसने जो मैक्सिमम हाइट एच को रीच किया है वो डिफिकल्ट क्यों है स्टूडेंट के लिए मेजर करना। सो आप सिंपली अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आप 10 सेंटीमीटर की हाइट से बॉल को ड्रॉप करेंगे तो बाउंसिंग जो हाइट होगी वो भी बहुत कम हो जाएगी और उसे मेजर करना डिफिकल्ट होगा। सो आपने सिंपली यही लिखना है, द हाइट bounces, या यूं कह लें कि the bouncing height or the height becomes too small to measure, यानी वो बहुत छोटी हो जाएगी हाइट जिसे मेजर करना
बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4, आपके पास एक एपरेटस है जिसमें एक अननोन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो है वो कंटेन किया हुआ है, और ये जो कंपोनेंट है ये दो टर्मिनल्स पी और क्यू बॉक्स में शो हो रहे हैं। इन दो बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर पी और क्यू टर्मिनल के बीच में ये कंपोनेंट मौजूद है। एक बैटरी, एक एमीटर और एक स्विच जो है, और एक बैटरी और दो क्रोकोडाइल क्लिप्स आपके पास फिगर में शो हो रहे हैं, ये आपके पास मेंशन हुए हैं। अब ये कह रहा है कि दो अननोन, जो अननोन कंपोनेंट है ये या तो ब्रोकन वायर है, या तो कनेक्टिंग वायर है, या डायोड है। अभी आपसे कह रहा है कि डिस्क्राइब करें कि स्टूडेंट इस एपरेटस को यूज करके किस तरह यानी किस तरह से आइडेंटिफाई करेगा कि कंपोनेंट बॉक्स के अंदर कौन सा कंपोनेंट मौजूद है। सबसे पहले कंडीशन दी है एग्जामिनर ने, आप ब्रोकन वायर। अब आप खुद इमेजिन करें अगर पी क्यू के बिटवीन ब्रोकन वायर होता और क्रोकोडाइल क्लिप्स पी और क्यू पर अटैच किए जाते, तो वायर इनसाइड द बॉक्स, वायर ब्रोक होने की वजह से करंट आगे फ्लो ही नहीं करेगा, तो इसका मतलब द लैम्प विल नॉट लाइट अप। सो आपने सिंपली यही लिखना है, द लैम्प डज नॉट लाइट अप। इन पार्ट टू, अगर पी क्यू के दरमियान में कनेक्टिंग वायर होता सो करंट इजिली फ्लो कर जाता, जिसकी वजह से आपका लैम्प जो है वो जल जाता, लैम्प लाइट अप हो जाता, लैम्प जो है ऑन हो जाता। तो आपने सिंपली यही लिखना है, करंट फ्लोस थ्रू द वायर एंड लैम्प लाइट्स अप। अब बात आती है डायोड की। अगर कंपोनेंट पी और क्यू के बीच में डायोड होता, सो डायोड के बारे में हमने पढ़ा है कि डायोड एक ऐसी डिवाइस होती है जो करंट को अलाउ करती है टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। यानी जब आपके पास डायोड में पॉजिटिव साइकिल इनपुट होती है तो डायोड आउटपुट देता है, जब नेगेटिव साइकिल इनपुट होती है तो डायोड आउटपुट नहीं देता। सो आपने सिंपली क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि अगर डायोड लगा होगा ना तो आपका लैम्प जलेगा, ऑन होगा फिर बंद हो जाएगा, ऑन होगा टर्न ऑन होगा फिर टर्न ऑफ हो जाएगा। तो आपने सिंपली यही लिखना है, आपने सिंपली यही लिखना है, द लैम्प लाइट्स एंड देन टर्न ऑफ, दिस प्रोसेस कंटिन्यूस। नाउ इन पार्ट बी, आपके पास जो बॉक्स में कंपोनेंट है वो एक लो रेजिस्टेंस कनेक्टिंग वायर है, एक सेकंड बॉक्स है जो कि बिल्कुल सेम है दिखने में लेकिन उसमें हायर रेजिस्टेंस मौजूद है, हायर रेजिस्टेंस रेजिस्टर मौजूद है उस बॉक्स के अंदर। अब ये कह रहा है कि बताएं ये ऑपरेटर्स जो है ये किस तरीके से डिटरमाइन करेगा कि बॉक्स में हाई रेजिस्टेंस रेजिस्टर मौजूद है या नहीं। सो आपको पता है कि जब रेजिस्टेंस हायर होती है सो करंट जो है वो लो हो जाता है। सो आपने सिंपली यही लिखना है कि लैम्प जो है वो डिमर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लैम्प के अक्रॉस लेस करंट जो है वो फ्लो करेगा। सो यहाँ पे हमारा जो पेपर 4 है मई जून 2019 4-2 वो एंड होता है। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग माई वीडियो, एंड इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मई जून 2019 पेपर 4-1 डिस्कस करूँगा। एंड अगर आप लोगों को कोई क्यूरीज है सो विल आस्क योर क्यूरीज थ्रू कमेंट। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।